कौमी असम्बली का इजलास 10:30 बजे होगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ इजलास की सदारत करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार फाइनेंस तरमीमी बिल मंजूरी के लिए ईवान में पेश करेंगे। हुकूमत के बजट मंजूरी के लिए अपने तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। नवाब शाह में अलमनाक हादसा, 2 मुसाफिर बसों में टक्कर से 7 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी। एक बस पंजाब से कराची और दूसरी कराची से रहीम यार खान जा रही थी। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। कंदकोट में डाकुओं की कोच पर फायरिंग। इंडस हाईवे पर मुसाफिरों को जरखमाल बनाकर लूटमार की। गोलियां लगने के बायस कोयटा से सादिकाबाद जाने वाली कोच के शीशे टूट गए, टायर भी फट गए। और पाक फौज का कौम को एक और तोहफा, माजी में दहशत गर्दों की पनाहगाह और इक्तसादी लिहाज से पसमानदा वस्ती कुरम में 16 साल बाद 170 में से 62 कोयले की कानों का इफ्तिताह। 650 से ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिल गया। कोयला कान की वजह से 5000 से ज्यादा मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। मकामी लोगों का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज की काविशों से हमारे काफ़ी मसाइल हल हो गए।